उत्तराला के जंगलों में हुई फायरिंग की आवाज से लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन ये सच की गोलियां नहीं चली थी बल्कि रोल कैमरा एक्शन व कट की आवाज थी। डीआर सीरीज के पैनल तले बैजनाथ के जाने माने गायक कलाकार जनकराज शर्मा उर्फ बब्बी मान के गाने अब डीजे बजदा गीत पर फिल्माए जा रहे दृश्यों की शूटिंग उत्तराला पपरोला तथा बैजनाथ के कॉलेज व रेस्ट हाउस में दो दिन चली। इस गीत के बोल गीतकार पवन कुमार द्वारा बनाए गए हैं। इस एल्बम के निदेशक देव शर्मा व सह निदेशक सपना शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ सुनील व गौरी तथा मॉडल्स में अनु चंदेल, सपना, मनीषा, तोशी कपूर तथा शिवा ने अपनी भूमिका निभाई। गौरतलब है कि मेहनत और लगन के दम पर संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कायम हुए बैजनाथ निवासी बब्बी मान ने एक से बढ़कर एक हिंदी, पंजाबी व भजन के वीडियो ऑडियो एल्बम देकर लोगों का मन मोहा है। उन्होंने बताया कि डेस्टिनी इवेंट प्रोडक्शन के बैनर तले कई एल्बम निकाल कर म्यूजिक की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें संगीत का शौक बचपन से ही था और उन्होंने धीरे धीरे अपना सफर तय करते हुए आज एक अच्छा नाम बना लिया है और उन्होंने धीरे धीरे अपना सफर तय करते हुए आज एक अच्छा नाम बना लिया है। बब्बी मान ने अपना कैरियर संगीत की दुनिया में स्कूल प्रोग्राम से शुरू किया था और वे आज प्रदेश व देश के कई हिस्सों में अपना स्टेज परफॉर्मेंस देकर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। उन्हें हाल ही में शाने हिमाचल के खिताब से भी नवाजा गया था। इसके अलावा भी उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने तथा संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली स्वालघाट में स्थित अपर एक्साइज बैरियर के पास एसआईयू बिलासपुर की टीम ने नाका लगाया हुआ था। बस में सवार एक यात्री से चेकिंग के दौरान 24.21 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया गया। आपको बता दें कि एसआईयू की टीम ने स्वालघाट में स्थित अपर एक्साइज बैरियर के पास नाका लगाया हुआ था। उस दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर डिपो की बस नंबर HP31B1779 जो चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रही थी उसको रोककर चेक किया। चेकिंग के दौरान बस की सीट नंबर 25 से सूर्यकांत सुपुत्र तुलसीराम उम्र 24 साल गांव व डाकखाना रोपड़ी तहसील सरकाघाट जिला मंडी से 24.21 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई, जिस संदर्भ में पुलिस थाना स्वालघाट में उपरोक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम की पंजाबी बैंडों की एल्बम की शूटिंग चल रही है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में हो रही शूटिंग को देखने के लिए श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। सेल्फियां खिंचवाने के लिए मास्टर सलीम के फैन सेल्फियां खिंचवाने के लिए मास्टर सलीम के फैंस का जमावड़ा लग गया। मास्टर सलीम ने किसी भी प्रशंसक को नाराज नहीं किया और खूब फोटो और सेल्फियां भी खिंचवाई। मशहूर पंजाबी कलाकार गायक मास्टर सलीम ने कहा कि ये पंजाबी भेंटों की एल्बम 1 अगस्त को रिलीज होगी और उन्हें विश्वास है कि देश की जनता इस एल्बम को खूब प्यार देगी।
प्रदेश भर में भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान के तहत दो दिन में 80,000 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। यही नहीं, नए वोटर्स भी पार्टी की सदस्यता लेने के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान को मिल रही सफलता को भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की देन बता रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभियान को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाजपा ने प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करते हुए सदस्यता में 20% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी सभी पदाधिकारियों को अभियान को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर हिमाचल में पार्टी पदाधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ अभियान को सफल बना रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाने के निर्णय उपरांत शिमला में आयोजित बैठक में प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों ने अभियान के तहत पार्टी की सदस्यता में 20% की वृद्धि के बजाय इसे 3 गुना बढ़ाने का संकल्प लिया था। वहीं पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए नियुक्त प्रदेश सह प्रमुख एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है कि सदस्यता अभियान में दो दिनों में ही प्रदेश भर में 80,000 लोग पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर नए वोटर्स पार्टी की सदस्यता लेने को लेकर ललायत नजर आ रहे हैं। पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगामी दिनों में ये अभियान और रफ्तार पकड़ेगा।